महाराष्ट्र में हुई दो साधुओं की हत्या को लेकर स्वामी वैराग्य नंद धर्मगुरु मिर्ची बाबा लॉकडाउन खत्म होते ही महाराष्ट्र सरकार को इन साधुओं की जिस तरीके से निर्मम हत्या हुई है उसके प्रति सख्त कार्रवाई करनी होगी। वहीं साधु संतों के साथ अपमान सहन नहीं होगा। यदि ऐसा होता है तो साधु संतों को लेकर महाराष्ट्र सरकार को घेरने का ऐलान किया। वहीं जिले के पुरानी गढ़िया आश्रम के संत महामंडलेश्वर मोहनानंद महाराज ने भी साधुओं की निर्मम हत्या को लेकर सरकार को चेताया है और कहा, यदि दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं होगी तो हमारी अखाड़े से बात हुई है और लॉकडाउन खत्म होते ही संत महाराष्ट्र सरकार का घेराव करेंगे। पुलिस के सामने उन महात्माओं को बेरहमी से मारा जाता है, ये देश के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इस वक्त देश कोरोना जैसी महामारी आपदा से जूझ रहा है। भारत के सारे धर्मगुरु अपने अपने आश्रमों में बैठ के यज्ञ अनुष्ठान कर साधना कर रहे हैं, परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं। उसी बीच में इस देश में रहने वाली ये उग्रवादियों की संतान जो पुलिस पर प्रशासन पर पत्थर फेंकते हैं, कभी डॉक्टर पर पत्थर फेंकते हैं, कभी भारत के महात्माओं को घेर के मारते हैं, ये देश के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मैं कहना चाहता हूं, जिस गेरुआ को देखिए, ये जो महाराष्ट्र में नृशंस हत्या हुई है संतों की, ये सनातन धर्म के इतनी भर्सना शब्द जितने हों उतनी ज्यादा भर्सना होनी चाहिए इसकी, और वहां के मुख्यमंत्री प्रशासन को शीघ्र से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। क्यों कि संत नहीं रहेंगे तो भारतवर्ष के लिए धर्म को जीवित रखने के लिए संत बहुत आवश्यक हैं, और इस तरह से ये नृशंस हत्या जो है इनके जाहिलों के द्वारा की जा रही है, चलते हुए संतों को मारा जा रहा है, इसके लिए प्रशासन और वहां उद्धव ठाकरे ये ध्यान दें। इसके लिए हम और प्रयास करेंगे खड़ा परिषद से, मैं महामंडलेश्वर होते हुए पूरी पूरी प्रयास करूंगा, और ये जो 3 तारीख के बाद में जब ये खुल जाएगा तो हम लोग इसके लिए पुरजोर हर तरह से प्रयास करेंगे कि ऐसा आगे नहीं होना चाहिए और कठोर दंड उन्हें मिलना चाहिए। जितनी निंदा की जाए उतनी निंदा ही कम है इन लोगों के लिए। इस तरह साधुओं के साथ में ये धर्मबद्ध कार्य है, ये नहीं होना चाहिए। भारतवर्ष को इसमें सबको सहयोग करना चाहिए कि ये बहुत ही निंदनीय कार्य है। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9039011886, 9770229999।